पता चल गया तो आपका तो पता नहीं, फोगट में हमारी पिटाई हो जाएगी। अरे मम्मी को पता चलेगा तब ना, मम्मी को कोई बताएगा तब। और वैसे भी जब मम्मी साथ में होती है तो आप गाड़ी भी साइकिल की तरह चलाते हो ना, और आपको पता है जब गाड़ी तेज चलती है ना तो क्या मजा आता है। प्लीज थोड़ा तेज चलाओ ना। अच्छा ठीक है, तो बोलते चला देता हूँ। हाय, दिस इज अमीन लखानी, एज 45, हाइट 5'10", लोकेशन मुंबई मीरा रोड, लैंग्वेज हिंदी एंड गुजराती, कैरेक्टर ड्राइवर, सब तरह की गाड़ी चलाता हूँ मैं, बड़े से लेकर छोटी तक, ऑटोमेटिक, बस, लॉरी, टेम्पो, ट्रैक्टर, सब तरह की, परफेक्ट ड्राइवर फ्रॉम बॉलीवुड, थैंक यू। रोज 150 लीटर दूध पहुँचाता हूँ मैं, शहर में नहीं पहुँचाऊँगा, पूरे गांव में पहुंचाऊंगा, वो भी एक एक लीटर फ्री में बांटूंगा। हाँ, और पूरे भारत में 25,000 जन औषधि केंद्र बनेंगे। बोल, लगाता है शर्त? देख भाई, शर्त लगाता हूँ लेकिन बाद में पलटी मत मारना। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता, ये गारंटी है, गारंटी, वो भी मोदी की। अब भी लगाएगा शर्त मेरे साथ? दोस्तों, इंडस्ट्री में काम करना इतना आसान नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब इंडस्ट्री में नहीं होते हैं और अपन टीवी सीरियल और मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो मैं भी हीरो बन जाऊँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ये सब डायलॉग बोल सकता हूँ, मैं भी ये सीन कर सकता हूँ। मैं वो सोचने वाली बात है, सपने वाली बात है, करने वाली बात नहीं है। जब करने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो गाड़ी चलाते हो ना रोड पे तो भी तुम डायरेक्ट गाड़ी नहीं चला सकते हो, पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सिखाते हैं तुमको अच्छी तरह से, लेफ्ट राइट स्पीड अच्छी तरह से सीख जाने के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है। बस वैसा ही है इंडस्ट्री में, कुछ सीखना पड़ता है, डायलॉग डिलीवरी है और मूवमेंट है, एक्शन है, अपने को ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत आसान है ये इंडस्ट्री है ना, ये तो बड़ी खतरनाक है। उगते सूरज को सलाम करते हैं, ये इंडस्ट्री की एक आदत है। और मैं कैसा आया इंडस्ट्री में, इत्तेफाक से मैं जो है कैब ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था मैं, और उसके पहले भी मैं गुजराती स्टेज शो मतलब नाटक प्रोफेशनल किया हूँ मैं। इसमें मैं शुरू में तो गया मैं और काम मांगने गया मैं शुरू में, तो मुझे बोला बैक स्टेज करना पड़ेगा। बैक स्टेज मतलब समझते हैं आप कि पर्दे के पीछे जो मेन कलाकार होते हैं उनको पानी पिलाना, उनको प्रॉपर्टी देना, मतलब जब ब्लैकआउट होता है नाटक में तो उनको प्रॉपर्टी हाथ में देना अगले सीन की, उसके बाद पानी पिलाना, प्रॉपर्टी सजाना,
नाटकों में क्या होता है, सबसे पहले 1 घंटे पहले आने का, पूरा स्टेज सजाने का, पूरा सेट लगाने का, प्रॉपर्टी सजाने का, ये सब किया है मैंने। और फिर सबसे लास्ट में जाने का, पूरा सेट बंद कर देने का, प्रॉपर्टी सब समेट लेने का, उसमें बड़े बैग में भर देने का और बैग रख देने का, सबसे लास्ट में जाने का। और कितना कवर मिलते था मालूम है? सिर्फ 500 रुपया। किया मैंने फिर भी, क्योंकि आना था मुझे इंडस्ट्री में, कुछ बनना था। तो उसमें मुझे डायरेक्टर साहब बोले कि तू कर सकता है, थोड़ा सा काठियावाड़ी लैंग्वेज बोल सकता है। हाँ बोल सकता हूँ मैं। तो उन्होंने टेस्ट लिया मेरा कि ये डायलॉग बोल के बता, गांवठी लहजे में बोल के बताया। तो उनको पसंद पड़ गया, तो छोटा सा बैक स्टेज के साथ साथ रोल भी किया मैंने, और 3 नाटक किया मैंने, गुजराती नाटक मुंबई में। और फिर वहाँ से दोस्त लोग मिले, और पार्ट टाइम में गाड़ी भी चलाता था, बदली मारता था मैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो है ना GCC क्लब हाउस है मुंबई में, वहाँ पे हम लोग ने गाड़ी लगाया, एयरपोर्ट का सीन था। तो वहाँ पे गाड़ी लगा के हम बैठे थे, सब ड्राइवर लोग 10-15 ड्राइवर थे, बातें कर रहे थे, ठहाका लगा रहे थे हम। तो कास्टिंग में से एक बंदा आया ड्राइवर, उसको बुलाया गया था, कास्टिंग अगले दिन कास्टिंग हो गई थी उनकी, और उसको बुलाया गया था। तो उनका सीन आया ड्राइवर साहब का, तो डायरेक्टर साहब बोले कि आपको ये 2 बैग उठा के डिक्की में डालना है और फिर गाड़ी रिवर्स लेके निकल जाना है, इतना छोटा सा सीन था। और वो भाई साहब तो बैग डाला उसमें, डिक्की बंद किया, और रिवर्स उनसे नहीं लिया जा रहा, रिवर्स नहीं होती गाड़ी, क्योंकि वो झूठ बोल के आया था कि मैं गाड़ी चला पाता हूँ मैं। हाँ तो रिवर्स नहीं ले पाए भाई साहब, सीन अटक गया। और डायरेक्टर साहब बोले कि आप लोगों में से कोई पतला सा कोई आदमी रहेगा तो आ जाओ ना, ये इतना छोटा सा सीन करना है। तो गया मैं, आप हम तो भैया ड्राइवर पक्के ड्राइवर हैं, हमेशा रोड पे चलते 24 घंटा ट्रैफिक में चलते हैं, हमारे लिए तो आसान है रिवर्स लेना। तो उतना सीन मैंने कर लिया। अब सीन करने के बाद डायरेक्टर साहब बोले कि भैया आप जो है ना 2 दिन और आना है आपको स्टूडियो में, घर के अंदर आपका सीन है, क्योंकि आपका जो है हमने शूट कर दिया है और आपको ही आना पड़ेगा, हम दूसरे को नहीं लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन चला गया सेट पे मैं, एक सीन हुआ थप्पड़ मारने वाला, वो बॉक्स भूलने का था एयरपोर्ट पे, वो सीन हो गया। ऐसा करके 3 दिन भर गया मेरा, मालिक की दुआ से 7,500 का चेक आ गया, पहला चेक, बहुत अच्छा लगा। बस वहाँ से अपनी गाड़ी ने जो है रफ्तार पकड़ी है टॉप गियर में, आज तक नहीं रुकी है। बस यही करता आया हूँ मैं, ड्राइवरी अच्छा लगता है, ड्राइवर बनना, अच्छे सीन मिलते हैं ड्राइवर का, खुश है अपन ड्राइवर में, ड्राइवर विलेजर्स। और हमने तो बहुत सारी सीरियल की है, बहुत सीरियल की है मैंने, 450-450 सीरियल में काम कर लिया अब तक 10 साल में, और अभी भी कर रहा हूँ मैं।
और ऑटो भी चलाता हूँ मैं पार्ट टाइम में। जब भी शूटिंग का आता है तो ऑटो लेके निकल जाता हूँ मैं, फिर पैकअप करके फिर ऑटो चलाने लगता हूँ। बम्बई है भाई, बहुत खर्चा पानी है यहाँ पर, क्योंकि ये सीरियल का चेक जो है ना 3-3 महीने के बाद आता है, और यहाँ पे रोज़ अपने को कैश चाहिए, रोकड़ा चाहिए, कहाँ से लाएंगे? और तो कुछ आता नहीं है ड्राइविंग के अलावा, ड्राइविंग बस ड्राइवर करते रहते हैं, ड्राइवरी। और बाकी तो क्या है, जय नए लड़के जो आने वाले हैं, आते हैं, जिनको आना है, उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई ये सपनों की दुनिया है, यहाँ पे कदम रखने से पहले फंसना मत, जाल बिछा के फ्रॉड लोग बैठे हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में, हाँ, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मत आना। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट पर सर्च करो बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस एड्रेस एंड फोन नंबर, नेट पर सर्च करो सब आ जाएगा। जाओ ऑफिस में प्रोफेशनल लोग से मिलो और वहाँ जाके बोलो कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऑडिशन देना है, और वहाँ पे बोलो उनको कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, उनसे मिलो, ये सब बात बताओ। अगर हाँ बोले तो ठीक है, बहस मत करो, वापस आ जाओ, दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, लेगा ज़रूर लेगा आपका ऑडिशन, ऑडिशन दो वहाँ पर और ऑडिशन दे के आ जाओ, प्रोफाइल दो अपना, मालिक ने चाहा आपको काम मिल जाएगा, ज़रूर काम मिलेगा। ये नहीं है कि काम नहीं मिलता, इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इंडस्ट्री वाले को अच्छे अच्छे डायलॉग बोलने वाले की ज़रूरत है वहाँ पर। झूठ बोल के आओगे मुझे ड्राइविंग आता है, और सेट पर तुम फंबल मारोगे, ड्राइविंग नहीं कर पाओगे तो तुमको गुस्सा मिलेगा, फिर वो बोलेंगे तुमको कौन भेजा, तुमको कौन बुलाया था, फिर ऑफिस में फ़ोन जाएगा कास्टिंग डायरेक्टर जो आपको कास्ट किया है, फिर आपको गुस्सा मिलेगा, ब्लॉक कर देंगे आपको। इससे अच्छा आपसे जो होता है उतना काम करने का, जो नहीं होता है उनको मना कर दो कि सर मेरे से नहीं होगा, सॉरी, वो आपका बड़ापन होगा। मना करने से वो नाराज़ नहीं होंगे, नाराज़ तब होंगे जब आपकी डांट मिलेगी, आपको डांट मिलेगी सेट पर और आपकी कंप्लेंट जाएगी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, तब वो नाराज़ हो जाएंगे और वो आपको ब्लॉक मार देगा, दोबारा आपको नहीं बुलाएगा। हाँ ये है कि प्रिपेयर होके जाओ, अच्छा सा ऑडिशन दो वहाँ पर, और सेट पर जाओ तो पहले उनको बोलो कि भाई क्या ड्राइवर मेरा डायलॉग क्या है, तो डायलॉग अच्छे से याद कर लो, और जब बुलावे डायरेक्टर साहब जाके दोस्तों, इंडस्ट्री में काम करना इतना आसान नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब इंडस्ट्री में नहीं होते हैं और अपन टीवी सीरियल और मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो मैं भी हीरो बन जाऊँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ये सब डायलॉग बोल सकता हूँ, मैं
मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ। मैं वो सोचने वाली बात है, सपने वाली बात है, करने वाली बात नहीं है। जब करने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो गाड़ी चलाते हो ना रोड पे, तो भी तुम डायरेक्ट गाड़ी नहीं चला सकते हो, पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सिखाते हैं तुमको अच्छी तरह से लेफ्ट राइट स्पीड, अच्छी तरह से सीख जाने के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है। बस वैसा ही है इंडस्ट्री में, कुछ सीखना पड़ता है, डायलॉग डिलीवरी है और मूवमेंट है, एक्शन है। अपने को ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत आसान है ये इंडस्ट्री है ना, ये तो बड़ी खतरनाक है ये। उगते सूरज को सलाम करते हैं, ये इंडस्ट्री की एक आदत है। और मैं कैसे आया इंडस्ट्री में, इत्तेफाक से मैं जो है कैब ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था मैं, और उसके पहले भी मैं गुजराती स्टेज शो मतलब नाटक प्रोफेशनल किया हूँ मैं। उसमें मैं शुरू में तो गया मैं और काम मांगने गया मैं शुरू में, तो मुझे बोला बैक स्टेज करना पड़ेगा। बैक स्टेज मतलब समझते हैं आप कि पर्दे के पीछे जो मेन कलाकार होते हैं उनको पानी पिलाना, उनको प्रॉपर्टी देना, मतलब जब ब्लैकआउट होता है नाटक में तो उनको प्रॉपर्टी हाथ में देना अगले सीन की, उसके बाद पानी पिलाना, प्रॉपर्टी सजाना। नाटकों में क्या होता है, सबसे पहले एक घंटे पहले आने का, पूरा स्टेज सजाने का, पूरा सेट लगाने का, प्रॉपर्टी सजाने का, ये सब किया है मैंने। और फिर सबसे लास्ट में जाने का, पूरा सेट बंद कर देने का, प्रॉपर्टी सब समेट लेने का, उसमें बड़े बैग में भर देने का और बैग रख देने का, सबसे लास्ट में जाने का। और कितना कवर मिलते था मालूम है, सिर्फ 500 रुपया। किया मैंने फिर भी, क्योंकि आना था मुझे इंडस्ट्री में, कुछ बनना था। तो उसमें मुझे डायरेक्टर साहब बोले कि तू कर सकता है, थोड़ा सा काठियावाड़ी लैंग्वेज बोल सकता है। हाँ बोल सकता हूँ मैं, तो उन्होंने टेस्ट लिया मेरा कि ये डायलॉग बोल के बता गांवठी लहजे में बोल के बताया, तो उनको पसंद पड़ गया। तो छोटा सा बैक स्टेज के साथ साथ रोल भी किया मैंने, और 3 नाटक किया मैंने गुजराती नाटक मुंबई में। और फिर वहाँ से दोस्त लोग मिले, और पार्ट टाइम में गाड़ी भी चलाता था, बदली मारता था मैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो है ना GCC क्लब हाउस है मुंबई में, वहाँ पे हम लोग ने गाड़ी लगाया, एयरपोर्ट का सीन था, तो वहाँ पे गाड़ी लगा के हम बैठे थे, सब ड्राइवर लोग 10-15 ड्राइवर थे, बातें कर रहे थे, ठहाका लगा रहे थे हम। तो कास्टिंग में से एक बंदा आया ड्राइवर, उसको बुलाया गया था, कास्टिंग अगले दिन कास्टिंग हो गई थी उनकी, और उसको बुलाया गया था। तो उनका सीन आया ड्राइवर साहब का, तो डायरेक्टर साहब बोले कि आपको ये 2 बैग
उठा के डिक्की में डालना है और फिर गाड़ी रिवर्स लेके निकल जाना है। इतना छोटा सा चिंतन। और वो भाई साहब तो बैग डाला उसमें, डिक्की बंद किया और रिवर्स उनसे नहीं लिया जा रहा, रिवर्स नहीं बोलती गाड़ी, क्योंकि वो झूठ बोल के आया था कि मैं गाड़ी चला पाता हूँ मैं। हाँ, तो रिवर्स नहीं ले पाए भाई साहब, सीन अटक गया। और डायरेक्टर साहब बोले कि आप लोगों में से कोई पतला सा कोई आदमी रहेगा तो आ जाओ ना, ये इतना छोटा सा सीन करना है। तो गया मैं। अब हम तो भैया ड्राइवर, पक्के ड्राइवर हैं, हमेशा रोड पे चलते 24 घंटा ट्रैफिक में चलते हैं, हमारे लिए तो आसान है रिवर्स लेना। तो उतना सीन मैंने कर लिया। अब सीन करने के बाद डायरेक्टर साहब बोले कि भैया आप जो है ना, दो दिन और आना है आपको स्टूडियो में, घर के अंदर आपका सीन है, क्योंकि आपका जो है हमने शूट कर दिया है और आपको ही आना पड़ेगा, हम दूसरे को नहीं लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन चला गया सेट पे मैं। एक सीन हुआ थप्पड़ मारने वाला, वो बॉक्स भूलने का था एयरपोर्ट पे, वो सीन हो गया। ऐसा करके 3 दिन भर गया मेरा, मालिक की दुआ से 7,500 का चेक आ गया, पहला चेक, बहुत अच्छा लगा। बस वहाँ से अपनी गाड़ी ने जो है रफ्तार पकड़ी है टॉप गियर में। आज तलक नहीं रुकी है, बस यही करता आया हूँ मैं, ड्राइवरी। अच्छा लगता है ड्राइवर बनना, अच्छे सीन मिलते हैं ड्राइवर का, खुश है अपन ड्राइवर में, ड्राइवर विलेजर्स। और हमने तो बहुत सारी सीरियल की है, बहुत सीरियल की है मैंने, 450 सीरियल में काम कर लिया तक 10 साल में, और अभी भी कर रहा हूँ मैं, और ऑटो भी चलाता हूँ मैं पार्ट टाइम में, जब भी शूटिंग का आता है तो ऑटो लेकर निकल जाता हूँ मैं, फिर पैकअप करके फिर ऑटो चलाने लगता हूँ। मुंबई है भाई, बहुत खर्चा पानी है यहाँ पर, क्योंकि ये सीरियल का चेक जो है ना 3-3 महीने के बाद आता है, और यहाँ पे रोज अपने को कैश चाहिए, रोकड़ा चाहिए, कहाँ से लाएंगे, और तो कुछ आता नहीं है ड्राइविंग के अलावा, ड्राइविंग बस ड्राइवर करते रहते हैं, ड्राइवरी। और बाकी तो क्या है, जैन नए लड़के जो आने वाले हैं, आते हैं, जिनको आना है, उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई ये सपनों की दुनिया है, यहाँ पे कदम रखने से पहले फंसना मत, जाल बिछा के फ्रॉड लोग बैठे हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में। हाँ, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मत आना। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट पर सर्च करो बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस एड्रेस एंड फोन नंबर, नेट पर सर्च करो सब आ जाएगा। जाओ ऑफिस में, प्रोफेशनल लोग से मिलो और वहाँ जाके बोलो कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऑडिशन देना है, और वहाँ पे बोलो उनको कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, उनसे मिलो, ये सब बात बताओ। अगर हाँ बोले तो ठीक है, बहस मत करो, वापस आ जाओ, दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, लेगा ज़रूर लेगा आपका ऑडिशन, ऑडिशन दो वहाँ पर और ऑडिशन दे के आ जाओ, प्रोफाइल दो अपना, मालिक ने जहाँ आपको काम मिल जाएगा, ज़रूर काम मिलेगा। ये नहीं है कि काम नहीं मिलता, इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इंडस्ट्री वाले को अच्छे अच्छे डायलॉग बोलने वाले की ज़रूरत है वहाँ पर।
झूठ बोल के आओगे मुझे ड्राइविंग आता है, और सेट पर तुम फंबल मारोगे, ड्राइविंग नहीं कर पाओगे तो तुमको गुस्सा मिलेगा, फिर वो बोलेंगे तुमको कौन भेजा, तुमको कौन बुलाया था, फिर ऑफिस में फ़ोन जाएगा कास्टिंग डायरेक्टर जो आपको कास्ट किया है, फिर आपको गुस्सा मिलेगा, ब्लॉक कर देंगे आपको। इससे अच्छा आपसे जो होता है उतना काम करने का, जो नहीं होता है उनको मना कर दो कि सर मेरे से नहीं होगा, सॉरी, वो आपका बड़ापन होगा। मना करने से वो नाराज नहीं होंगे, नाराज तब होंगे जब आपकी डांट मिलेगी, आपको डांट मिलेगी सेट पर, और आपकी कंप्लेंट जाएगी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, तब वो नाराज़ हो जाएंगे और वो आपको ब्लॉक मार देगा, दोबारा आपको नहीं बुलाएगा। हाँ, ये है कि प्रिपेयर होके जाओ, अच्छा सा ऑडिशन दो वहाँ पर, और सेट पर जाओ तो पहले उनको बोलो कि भाई क्या ड्राइवर मेरा डायलॉग क्या है, तो डायलॉग अच्छे से याद कर लो, और जब बुलावे डायरेक्टर साहब जाके। अच्छा सा प्रिपेयर होके जाओ और अच्छे से डायलॉग याद कर लो, फिर सेट पर जो है वेट एंड वॉच, अपनी मनमानी मत करो, डायरेक्टर क्या चाहता है आपसे, आपका कैरेक्टर क्या है, आपसे कौन सा काम निकालना है उनको, कौन सा तरीके से काम करवाना चाहता है, वो सब जान लो आप, उसके बाद डायलॉग पे ध्यान दो, अच्छी तरह से डायलॉग बोलो, भूलो मत, फंबल मत मारो। एक बार सहन करेगा, दो बार सहन करेगा, तीसरी बार सहन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत पीछे यूनिट खड़ा है पूरा, सेट का भाड़ा, रोज का खर्चा होता है उनका 10-15 लाख का। अब आप बोलोगे हमको गाली दिया, हमको गुस्सा किया, करेंगे ना भाई, क्यों नहीं करेंगे, टाइम खराब होता है उनका, टाइम वेस्ट होता है, एक एक घंटे का उनका बहुत कीमती होता है समय, और अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए बस यही टिप्स है। ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, और बस मालिक ने चाहा तो बन सकते हैं आप भी आर्टिस्ट, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको बताऊंगा आगे के एपिसोड में। दोस्तों, अमीन लखानी, सब्सक्राइब करें चैनल मेरा, यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। बाय बाय। अच्छा सा प्रिपेयर होके जाओ और अच्छे से डायलॉग याद कर लो, फिर सेट पर जो है वेट एंड वॉच, अपनी मनमानी मत करो, डायरेक्टर क्या चाहता है आपसे, आपका कैरेक्टर क्या है, आपसे कौन सा काम निकालना है उनको, कौन सा तरीके से काम करवाना चाहता है, वो सब जान लो आप, उसके बाद डायलॉग पे ध्यान दो, अच्छी तरह से डायलॉग बोलो, भूलो मत, फंबल मत मारो। एक बार सहन करेगा, दो बार सहन करेगा, तीसरी बार सहन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत पीछे यूनिट खड़ा है पूरा, सेट का भाड़ा, रोज का खर्चा होता है उनका 10-15 लाख का। अब आप बोलोगे हमको गाली दिया, हमको गुस्सा किया, करेंगे ना भाई,
क्यों नहीं करेंगे। टाइम खराब होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, एक एक घंटे का उनका बहुत कीमती होता है समय। और अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए बस यही टिप्स है। ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, और बस मालिक ने चाहा तो बन सकते हैं आप भी आर्टिस्ट। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नेक्स्ट आपको बताऊंगा आगे के एपिसोड में। दोस्तों अमीन लखानी, सब्सक्राइब करें चैनल मेरा, यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। बाय बाय।